क्या है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो वार्षिक उत्सव मनोज मौर्या जी ने कोयरिया पार में किया है, इनको बहुत बहुत बधाई। और शिक्षा ऐसी चीज है, ये शेरनी का दूध है, जो ही पिएगा वही दहाड़ेगा। आज के बच्चों को कैसा शिक्षा की जरूरत है? अब देखिए, टेक्निकल भी जरूरी है और शारीरिक भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। हालांकि ये सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, ये सरकार आडंबर में लोगों को उलझा रखी है। भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे, इसलिए आडंबर में उलझा के रखी है। शिक्षा पे क्या करना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को, पूरे प्रदेश नहीं देश, जिनके भी बच्चे हैं, सबको चाहेंगे कि वो पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हों। हालांकि ये सरकार रोजगार की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, ये सरकार दूसरे दिशा में लोगों को ले जाना चाहती है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से भी चाहूँगी कि ये बच्चों को ध्यान दे और बच्चों के भविष्य के ध्यान में, चूँकि रोजगार, नौजवान रोजगार बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये सरकार नहीं चाहती है कि बच्चों के हाथ में। सरकार तो कह रही है कि हम नौकरियाँ दे रहे हैं, क्या दे रही है गाँव में आप देख लीजिए, क्या दे रही है, कहाँ नौकरी, किसको नौकरी मिल गई है, सरकार किसको दिया नौकरी, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कि सरकार नौकरी दे रही है। ये सर अभी तो देख रहे हैं कि शूद्र पर बात चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो किसी भी जात की महिलाएं हैं, वो सब शूद्र हैं, किसी भी जात की महिला। जब एक उसी चौपाई में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उसमें सभी महिलाएं शूद्र हैं। और मेरे समझ से अगर शूद्र हैं तो वो शूद्र की भाषा वो समझे। 2024 का मिशन क्या रहेगा मैडम? समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केंद्र में जाएगी और केंद्र की सरकार भाजपा की समाप्त होगी, उसमें सहयोगी दल बन करके हम लोग काम तौर से बीजेपी समाप्त की घड़ी समापन की ओर है। अब दोबारा नहीं आने वाली सत्ता में है, जिस तरह से महंगाई चरम पर, एक बार महंगाई पर बात नहीं करती बीजेपी, एक बार रोजगार पर बात नहीं करती बीजेपी, और इसका समापन है। देख लीजिए जिस तरह से महंगाई चरम पर है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितनी महंगा, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, चाहे खाद हो, बीज हो, कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें हो, सब चीज़ महंगा। कहाँ से लोग खाएंगे, कैसे लोग जिएंगे? ये सोचते हैं कि 5 किलो अनाज दे करके